गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब अपन एक्सरसाइज 5.4 शुरू करते हैं। 5.4 करने से पहले अपन थोड़ा लॉग के बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं। लॉग एक्स, इसका एक बेस भी होता है, इसलिए मैं लिखा लॉग ए बेस एक्स। क्या होती है इसकी वैल्यू, इसके बारे में सीखते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, जैसे ये है लॉग 4 और बेस है 2, इसको पढ़ते हैं लॉग 2 बेस 4। इसकी वैल्यू ये होती है बेटा कि 2 की कितनी पावर रेज करेगी 4 हो जाए, तो इसका आंसर है 2। 2 की पावर अगर 2 रेज करते हो तो 4 हो जाता है ना, तो जो पावर रेज करना है करते हो वही इस लॉग की वैल्यू होती है। जैसे लॉग 2 बेस 16, 2 की कितनी पावर रेज करेगी 16 हो जाए, तो इसका आंसर होगा 4, क्योंकि 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है। ऐसे ही लॉग 3 बेस 81, 3 की कितनी पावर रेज करोगे 81 हो जाए, तो इसका आंसर भी है 4। लॉग 5 बेस 625, 5 की कितनी पावर रेज करूँ कि 625 हो जाए, तो इसका आंसर भी है 4। लॉग 4 बेस 8, 4 की कितनी पावर रेज करूँ कि ये 8 हो जाए, तो इसका आंसर थोड़ा सा मुश्किल है। एक्चुअली 4 की पावर 3/2 जो है वो 8 होता है ना, 4 की पावर 3/2 आई थिंक सबको सॉल्व करना आता है, तो इसका आंसर होगा 3/2। कहने का मतलब लॉग की वैल्यूज़ जो है वो फ्रैक्शन में भी आ सकती है, ओके, नेगेटिव में भी आ सकती है। जैसे कभी ऐसा जाए लॉग 2 बेस 1/4, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 2 की पावर कितनी रेज करूँ कि 1/4 हो जाए, तो इसका आंसर है -2, है ना। तो इसमें नेगेटिव भी आ सकता है, लॉग की वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है बेटा। चलो नेक्स्ट बेटा, लॉग के कुछ फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, लॉग ए इंटू बी, बेस कुछ भी हो, इसको आप लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी लिख सकते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट बेस कुछ भी नहीं लिखा हो तो ई बेस माना जाता है। ई एक कांस्टेंट है, जैसे पाई एक कांस्टेंट है, वैसे ई भी एक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 2.72 अप्रॉक्स कुछ होती है। आप 2.72 अप्रॉक्स याद करेंगे तो भी चलेगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसकी वैल्यू यूज़ होती है, एनसीईआरटी में तो अपने ये वैल्यूज़ यूज़ नहीं होगी। एनीवेज, तो एक ये फॉर्मूला है बेटा, लॉग ए बी, लॉग ई बेस ए बी को आप लॉग ई बेस ए और लॉग ई बेस बी लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला है बेटा, लॉग ई बेस ए बाई बी को आप लॉग ई बेस ए माइनस लॉग ई बेस बी लिख सकते हैं। एक, दो और तीसरा फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है बेस कुछ भी हो, अगर ऐसा हो जाए ए की पावर बी, तो जो पावर है वो आगे आ सकती है, बी लॉग ई ए, ओके। ये तीन फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, अगर यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई में है तो उनको आप अलग अलग करके एडिशन कर सकते हो, डिवाइड में है तो अलग अलग करके सब्ट्रैक्शन लगाना है, और अगर पावर में है तो पावर आगे आ सकती है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, लेकिन ये यूज़ कम ही होता है, लॉग ए बेस, कॉम्पिटिशन में यूज़ होगा, एनसीईआरटी में तो आई डोंट नो है ही नहीं कहीं पे यूज़ इसका। ए बेस बी है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लॉग बी अपॉन लॉग ए, ऊपर कुछ भी बेस नहीं है, इसका मतलब ई बेस है, नीचे भी कुछ भी बेस नहीं है, मतलब ई बेस है, ओके। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसका यूज़ तो कम है, इन तीन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, ओके। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, ये वाई है आपके पास, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बेटा ये देखो, अपन ने ये देखा था एक्स की पावर एन, एक्स वेरिएबल है, एन कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो अपन ने देखा था बेटा एन एक्स की पावर एन माइनस वन है ना। अगर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो जाए तो उसका डिफरेंशिएशन तो श्योरली, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट मतलब पूरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है। अभी अपन देख रहे हैं कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसके बाद में अपन ये भी देखेंगे बेटा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये बाद में देखेंगे अगली एक्सरसाइज में, अभी आज अपन केवल ये देखेंगे। ये दोनों अपन पहले देख चुके हैं, आज ये वापस बोल देता हूँ, ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, और ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, चार ही पॉसिबल केसेस है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं बेटा, देखना, जब भी पावर में वेरिएबल मिल जाए तो एक काम करा करो, आप लॉग ले लो,
मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ। अगर ए वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स है तो लॉग ऑफ वाई भी लॉग ऑफ ए एक्स की पावर लॉग ए की पावर एक्स के बराबर होगा। अब बेटा लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स आगे आ जाएगा लॉग ए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो है बेटा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाय एक्स, ये आपको याद करना है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन बाय एक्स, ओके। और ई की पावर एक्स का भी डेरिवेटिव होता है बेटा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स, ओके। ये अपन इलेवेंथ में नहीं, इसका मैं अभी आपको निकाल के बता दूंगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, दोनों के प्रूफ्स बता दूंगा। एनीवेज अब देखते हैं बेटा, इधर डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लॉग ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। मैंने आपको बताया है जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट एसटीज रहेगा और एक्स का हो जाएगा वन। देख लीजिए यहाँ लॉग वाई का मैंने अभी आपको जस्ट बताया वन बाय एक्स, लॉग एक्स का वन बाय एक्स होता है, तो लॉग वाई का वन बाय वाई हो गया, बस साथ में डी वाई बाई डी एक्स हो गया। लॉग ए एसटीज, लॉग ए एसटीज और एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया वन, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया बेटा, या वन बाय वाई डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई लॉग ए। वाई की जगह वैल्यू रख दो बेटा, वाई की जगह वैल्यू रख दो तो ये होगा ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए, डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए की पावर एक्स लॉग ए। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया कि ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। ये भी आपको याद रखना है बेटा फॉर्मूला, ओके। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। चलिए अब आपको मैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करके बता देता हूँ। अगर आपके पास एफ एक्स है लॉग एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, इसका फॉर्मूला था फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, डेल एक्स के कई बार एच भी लिखा होता है, एक ही बात है कुछ भी लिख दो, अपॉन डेल एक्स, है ना। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगा, माइनस एफ एक्स की जगह लॉग एक्स अपॉन डेल एक्स। लिमिट लगाने पर क्या होगा बेटा, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो की फॉर्म है, ओके। कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, एक काम करते हैं, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था लॉग ए माइनस लॉग बी को आप लॉग ऑफ ए अपॉन बी लिख सकते हो, या कहीं जगह बेस नहीं लिखा है तो आपको समझ जाना है बेटा, कहीं जगह बेस नहीं लिखा है मतलब बेस ई है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी को अपन लॉग ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ये जस्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, उल्टा था, अभी इसको ऐसे यूज़ कर रहा हूँ मैं, लॉग ए अपॉन बी अपॉन डेल एक्स, ओके। क्या आंसर होगा बेटा इसका, लॉग ऑफ मैं यहाँ पे एक्स दोनों के नीचे डिवाइड करता हूँ, तो एक्स अपॉन एक्स तो हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन एक्स, और अपॉन में हो जाएगा डेल एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। अब एक फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स जो है उसका आंसर होता है वन, ओके। तो यहाँ पे यही फॉर्म है बेटा, देखो आपको मैंने चेक करना भी सिखाया था, एक तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम है ना इसलिए, और लिमिट लगाने पर दोनों लॉग वन प्लस ज़ीरो अपॉन ज़ीरो की फॉर्म बननी चाहिए, हाँ तो लॉग वन प्लस ज़ीरो अपॉन ज़ीरो की फॉर्म बन रही है, तो ये जो चीज़ है वो हो जाएगी वन। बचेगा कौन बेटा, सब खत्म हो गए, बस ये एक्स बच गया, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, डेल एक्स है ही नहीं तो लिमिट हटा दो, आंसर आ गया वन अपॉन एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन अपॉन एक्स, मैंने आपको जस्ट बताया भी है, और ये इस तरह समझ में भी आ गया बेटा। नेक्स्ट ई की पावर एक्स का ही भी डिफरेंशिएशन अपन निकाल के देख लेते हैं, डी बाय अपन एफ एक्स को मान लेते हैं ई की पावर एक्स, और एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। इसका फॉर्मूला है लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स,
ये होगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, एक्स की एक्स प्लस डेल एक्स है ना बेटा, तो यहाँ पे भी एक्स की एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स अपॉन डेल एक्स। अब ई की पावर एक्स प्लस डेल एक्स को अपन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर डेल एक्स लिख सकते हैं, माइनस ई की पावर एक्स अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं बेटा। ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, बचेगा ई की पावर डेल एक्स माइनस वन, और ये जो अपॉन में डेल एक्स बचेगा मैं इधर लिख देता हूँ। फॉर्मूला है अगेन लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को अपन वन लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे एक्स से बस डेल एक्स है तो ये पूरा हो जाएगा वन, और जब डेल एक्स ही नहीं बचा तो मैंने डेल एक्स की लिमिट्स भी हटा दी है, फाइनल आंसर आ गया आपके पास जस्ट ई की पावर एक्स। ये भी फॉर्मूला बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स जो है वो ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल 29, बेटा सबसे पहले 29 का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो अपन डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, y मतलब y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब ई की पावर x, ई की पावर x में ध्यान रखना पहले e का होता है ना बेटा, e की पावर x का, जैसे इसको x मान लिया। ऐसा क्यों है मैं बता देता हूँ, जैसे जनरली अपन कॉन्स्टेंट जब पावर होती है जैसे साइन x की साइन स्क्वायर x है, अगर इसमें आप कोई वैल्यू रखते हो तो पहले साइन सॉल्व होता है फिर उसका स्क्वायर होता है, इसलिए डिफरेंशिएशन करते टाइम उल्टा करते हैं ना अपन, तो पहले पावर का होगा फिर साइन का होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो e की पावर 2x, तो पहले x की वैल्यू रखने पर पहले वो 2 से मल्टीप्लाई होगा फिर वो e की पावर सॉल्व होता है, इसलिए डिफरेंशिएशन करते टाइम पहले अपन e का करेंगे फिर उसके बाद में 2x का करेंगे, है ना। जैसे ऐसा कभी है e की पावर साइन एक्स, तो इसका क्या होगा, मतलब बेटा x की वैल्यू रखते हो तो पहले साइन एक्स लगेगा फिर उसकी e की पावर सॉल्व करेंगे, इसलिए डिफरेंशिएशन करते टाइम पहले e की पावर x का होगा, उल्टा होता है ना बेटा, तो डिफरेंशिएशन करते टाइम पहले e का होगा e की पावर x जैसा, इसको x मानकर फिर sin x का होगा, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करके बता देता हूँ, e की पावर sin x का क्या होगा बेटा, dy बाई dx क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x एस टी, sin x को sin x को अपन x मान लिया, फिर sin x का होगा cos x। ओके, सिमिलरली e की पावर माइनस x का क्या होगा बेटा, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, इसको अपन x मान लिया। अब जिसको x माना है उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देते हैं, x को माना बेटा अपन ने माइनस एक्स को, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ वन, तो फाइनल आ गया माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट सेम तरीके से बेटा डी बाई डी एक्स क्या आएगा, इससे इसमें पहले साइन का होगा, साइन का होता है कॉस, इसको एक्स मान लिया, कॉस ऑफ लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय, इसको एक्स माना ना बेटा तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, वन बाय एक्स आंसर। चाहो तो अरेंज कर दो, वन बाय एक्स को आगे ले आओ वरना छोड़ दो ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, बेटा कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है माइनस वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx क्या होगा बेटा, माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स, ये आपका x है, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जिसका आपने x माना उसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, e की पावर x को x माना ना तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, वो यहाँ पे आ गया, तो आपका फाइनल आंसर हो गया माइनस ऑफ e की पावर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस e की पावर 2x। ओके, नेक्स्ट ई की पावर कॉस एक्स, ये अपन ने जस्ट यहाँ पे किया वैसे, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग ट्राई करिएगा। ओके, एक क्वेश्चन और है बुक एक्सरसाइज में 5.4 में सेवेंथ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है आपको, तो मैं करा ही देता हूँ आपको। स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स, इसमें देखिए अगर आप एक्स की वैल्यू रखते हो तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले ऊपर इसके ऊपर ये वाला रूट लगाओगे, फिर जो आंसर आएगा e की पावर वो सॉल्व करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो डिफरेंशिएशन करते टाइम अपन
उल्टा प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले ये वाला स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होगा। आपको पता ही है बेटा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x। इसको अपन मान लेते हैं x, तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √x, x जगह e^√x आ जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा e^√x का, e^√x का होगा e^√x, इसको अपन x मान लिया, e^x का e^√x होता है, वैसे ही e^√x का e^√x होगा। फिर अब बारी आती है इस √x की, इस √x का होगा बेटा 1/2 √x, जैसा अपन ने यहाँ पे किया। तो आपका फाइनल आंसर आ गया dy/dx जो आ गया, ये √x 2 1/4 √x। बेटा e^√x ऊपर हो गया और नीचे हो गया √x, ये दोनों सेम है, नीचे पावर हाफ है ऊपर पावर 1 है। ये अपन ने देखा है 2/√2 क्या होता है बेटा, जैसे 2^1 है और 2^2 है, कट के √2 होता है ना बेटा, वैसे ही ये हो जाएगा 1/4 √x e^√x। ये वैसे ही बेटा ना, इसकी पावर 1 था, हाफ था, तो हाफ कट गया तो दूसरा हाफ बच गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, एक्सरसाइज 5.4 आप कंप्लीट करिएगा और डाउट्स हो तो मुझे पूछिएगा। थैंक यू।